आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझते हैं, वे दोनों ही ना समझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।